हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइव टक दुबई चैनल। दोस्तों, अभी अबू धाबी ने अदर्स एमिरेट से इशू किया वीज़ा होल्डर्स को अलाउ किया है। मतलब आपका आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, रेजिडेंस वीज़ा है और आपका वीज़ा दुबई, शारजा, रसलगंज, वेलकम, अजमान, फुजीरा से इशू आए तो आप अबू धाबी एयरपोर्ट लैंड कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करना है, अदरवाइज़ आप लैंड नहीं कर सकते। तो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ सारा प्रोटोकॉल शेयर करूँगा। मतलब ये रूल टूरिस्ट वीज़ा होल्डर्स, विजिट वीज़ा होल्डर्स, रेसिडेंस वीज़ा होल्डर्स और आपका वीज़ा अदर्स एमिरेट से इशू हुआ है, दुबई, शारजा, रसलगंज, वेलकम, अजमान, फुजीरा से, तो आप अबू धाबी लैंड कर सकते हैं। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक ट्वीट किया है, तो ट्वीट का स्क्रीनशॉट स्क्रीन के ऊपर शीट हो रहा है और मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा। एक्चुअली एयर इंडिया एक्सप्रेस इंडिया से ऑपरेट होता है, लेकिन जो रूल्स है ना, रूल्स पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका के लिए भी सेम होंगे। तो मैं अभी एक एक करके आपको ये रूल बताऊंगा। नंबर वन, आपको एक रैपिड पीसीआर टेस्ट करना है डिपार्चर एयरपोर्ट से, मतलब जहाँ से आप ट्रैवल करेंगे, विद इन 6 आवर्स आपको एक रैपिड पीसीआर टेस्ट करना है। आपके पास अगर रेसिडेंस वीज़ा है, मतलब अदर्स एमिरेट्स का रेसिडेंस वीज़ा है, तो आपको आपके पास आईसीए ग्रीन सिग्नल होना चाहिए और उसके साथ रजिस्टर अराइवल क्यूआर कोड भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन आपके पास अगर टूरिस्ट वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, तो आपको आईसीए ग्रीन सिग्नल लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको रजिस्टर अराइवल क्यूआर कोड लेना है। सिर्फ रेसिडेंस वीज़ा होल्डर्स को आईसीए ग्रीन सिग्नल और रजिस्टर अराइवल क्यूआर कोड दोनों ही लेना है। और आपका वीज़ा दुबई से इशू हुआ है तो आपके पास जीडीआरपी अप्रूवल भी होना चाहिए और आईसीए ग्रीन सिग्नल और रजिस्टर अराइवल क्यूआर कोड भी आपके पास होना चाहिए। नंबर थ्री, आप अगर वैक्सीनेटेड है तो आपको अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट डिपार्चर एयरपोर्ट, मतलब जहाँ से आप ट्रैवल करेंगे वहाँ पर आपको इशू करना है, दिखाना है आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट। और आप अगर अनवैक्सीनेटेड है तो वैक्सीन सर्टिफिकेट इशू करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सिर्फ वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स हैं तो आपको अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट इशू करना है। नंबर फोर, आपको एक आरटीपीसीआर टेस्ट करना है, मतलब डिपार्चर से 48 आवर्स के अंदर एक आरटीपीसीआर टेस्ट करना है और आरटीपीसीआर टेस्ट रिजल्ट के ऊपर क्यूआर कोड होना चाहिए, मतलब नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट आपको साथ में लेकर ट्रैवल करना है और उस टेस्ट रिजल्ट के ऊपर क्यूआर कोड भी होना चाहिए और टेस्ट आपको करवाना है एफिलेटेड लैब से। नंबर फाइव, जब आप अबू धाबी एयरपोर्ट लैंड करेंगे, लैंड करने के बाद एयरपोर्ट के ऊपर एक आरटीपीसीआर टेस्ट होंगे, ये भी मैंडेटरी है। नंबर सिक्स, वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स मस्ट टेक पीसीआर टेस्ट day 4 और day 8। मतलब आप वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स हैं तो अबू धाबी लैंड करने के बाद इनसाइड अबू धाबी आपको day 4 और day 8 में एक आरटीपीसीआर टेस्ट करना है और आपको क्वारंटाइन में नहीं रहना है। आप अनवैक्सीनेटेड पैसेंजर्स हैं और जब आप अबू धाबी लैंड करेंगे, इनसाइड द अबू धाबी आपको 10 डेज क्वारंटाइन में रहना है और day 9 में एक आरटीपीसीआर टेस्ट करना है। ये अनवैक्सीनेटेड पैसेंजर्स के लिए, मतलब अनवैक्सीनेटेड पैसेंजर्स भी अभी अलाउ है अबू धाबी में। नेक्स्ट, अराइविंग पैसेंजर्स, मतलब आपका एज अगर अराइविंग पैसेंजर्स बिलो 16 ईयर्स, मतलब आपका एज अगर 16 साल से कम है, तो ये जो सारा प्रोटोकॉल्स है आपको फॉलो नहीं करना है। ये सिर्फ 16 साल और 16 साल से ऊपर जिनका एज है उनको ये सारा प्रोटोकॉल फॉलो करना है। नेक्स्ट, आप अनवैक्सीनेटेड पैसेंजर्स है, मतलब अनवैक्सीनेटेड पैसेंजर्स हु वांट टू कंटिन्यू दियर जर्नी टू अदर एमिरेट्स शुड ओनली टेक एयरपोर्ट टैक्सी और अप्रूव बसेस। मतलब आप अनवैक्सीनेटेड पैसेंजर्स हैं और अबू धाबी लैंड करने के बाद यहाँ से आप अदर एमिरेट्स ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको एयरपोर्ट टैक्सी लेना है और नहीं तो अप्रूव बस है, उस बस से आपको ट्रैवल करना है। तो ये जो सारा प्रोटोकॉल्स है, सारा प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है, तब आप अबू धाबी लैंड कर पाएंगे। मतलब आपका वीज़ा दूसरे कोई एमिरेट से, अदर्स एमिरेट से इशू हुआ है, चाहे वो विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और रेसिडेंट वीज़ा, तो आप अबू धाबी एयरपोर्ट लैंड कर पाएंगे। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।